अमली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की चुनावी जनसभा, सपा बसपा पर जमकर बोला हमला, कहा पिछली सरकारों ने कानून के साथ किया खिलवाड़। आगरा के खैरागढ़ में राजनाथ सिंह ने की चुनावी रैली, सरकार की गिनाई उपलब्धियां, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगा जनता से आशीर्वाद। कन्नौज में गौवंशों का शव मिलने से सनसनी, काली नदी में मिला गौवंशों का शव, डीएम ने दिए जांच के आदेश। उन्नाव में भीषण सड़क हादसा, 3 पुलिसकर्मियों की मौत, 1 घायल, अभी पर ट्रक पलटने से हुआ हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। रुक करेंगे खबरों का। शामली पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शामली में 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में 5 फरवरी को बसंत पंचमी का पावन पर्व है जो आज धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित लोगों को बधाई देते हुए कहा कि प्रकृति ने बीजेपी के इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बना दिया। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मई जून में कैराना मुजफ्फरनगर को शिमला बनाने को कहा था, लेकिन यहाँ तो 2 दिन के मौसम से ही लग रहा है कि जैसे पहले ही मेरी वाणी सत्य हो गई है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले पूरे देश और दुनिया की नजर कैराना मुजफ्फरनगर पर थी। 1990 के दशक के प्रारंभ में वोट बैंक की राजनीति के चलते कश्मीर से कश्मीरी पंडितों का पलायन आरंभ हो गया था। उसी तर्ज पर जब केंद्र में प्रदेश में बीजेपी सरकार नहीं थी तो यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब थी, वो पिछली सरकारों की तुष्टिकरण की नीति के चलते कैराना कांधला से व्यापारी यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। तुष्टिकरण की नीति के चलते बसपा सपा दोनों ने ही कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि कैराना कांधला में पलायन हुआ। डबल इंजन की सरकार ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर काम किया है और उत्तर प्रदेश सरकार इन मुद्दों के साथ जनता के बीच आई है। इन्हीं मुद्दों के बीच में आपके पास आई थी और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, हमने जो कहा सो करके दिखाया। वे पेशेवर दंगाई, वे पेशेवर माफिया जो सत्ता के संरक्षण में व्यापारियों के ऊपर अत्याचार करते थे, वे पेशेवर अपराधी जो दिन दहाड़े व्यापारियों की निर्मम हत्या या अपहरण करते थे, आज आपने देखा होगा जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वही अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ थाने थाने में जाकर के, थानों की चौकट में जाकर के जान की भीख मांगता हुआ भी दिखाई दे रहा था। आखिर यह काम सपा और बसपा की सरकार के समय क्यों नहीं हो पाया था? कारण साफ था, उनकी नियत साफ नहीं थी। एक तरफ वह आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, न किसान सुरक्षित था न व्यापारी सुरक्षित था। वहीं आगरा के खैरागढ़ में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता को बीजेपी की योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही बीजेपी प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उनका कहना था कि बीजेपी को खैरागढ़ वासियों का हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि सपा सरकार में महिलाओं और बहनों पर अत्याचार होता था, बीजेपी की हर योजना का गरीब और किसानों को लाभ मिल रहा है। तुष्टिकरण की राजनीति, समाजवादी पार्टी वोट लेने के लिए, अरे फला धर्म के लोग मेरे पास आ जाओ, हमारे पास फला धर्म के लोगों की ताकत है। बहनों भाइयों, हमारा कहना है जाति पंथ और मजहब की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति यदि होनी चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति हो। वहीं कन्नौज से एक बहुत ही मार्मिक मामला सामने आया है। कन्नौज की काली नदी में गौवंशों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह जब यहां ग्रामीण नदी में नहलाने के लिए अपने पशु लेकर पहुंचे तो हर तरफ गौवंशों के अवशेष मिल रहे थे।
आज ये प्रकरण मेरे संज्ञान में है, जनपद कन्नौज से काली नदी में कुछ नदी के किनारे पाए गए हैं। तत्काल मेरे द्वारा SDM सदर और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर भेजा गया। इन लोगों ने जाकर देखा तो बताया कि 24 जानवरों के शव उसमें थे, जिसमें 13 जो है वो महिष वंशीय थे, जिसमें भैंस और उनके पड़वा जो होते हैं उनके बच्चे थे, और 11 उसमें गोवंश के शव थे। शव को देखने पर ये लगा कि ये पुराने शव हैं, करीब उन लोगों ने जो बताया कि एक हफ्ते पहले की डेथ हुई है, काफ़ी बॉडी उनकी ख़राब हो चुकी है पानी में। ये जो है उनका दफनाने के लिए जैसी मंगा आ चुकी है और खुद रहे हैं, इन सबों को निकाल करके उनको यही दफन कर दिया जाता है। इससे ग्रामीण लोगों में बड़ा प्रकार की दिक्कतें हो रही, बता रहे हैं कि आगे गंगा जी भी है 100 मीटर पर। हाँ, 100-150 मीटर पर गंगा जी काली नदी में मिल चुके हैं। और ये जो काली नदी आती है सिंगीरामपुर रजीपुर तहसीलपुर होते हुए, ये डहलेपुर होते हुए आती है, तो उस साइड के जितने भी गाँव पड़ते हैं पहली बह के आई हैं। अच्छा, तो यहाँ और यहाँ पर यहाँ फापर पाई के रुक गई। अच्छा, आगे गंगा जी भी है। गंगा जी है, गंगा जी में नहीं पहुंचे तो लद्दाख का लगभग कितने सब देखने को मिले आज यहाँ पर? हम नहीं नहीं सब कितने देखने को मिले? तो ये कौन सा गांव होता था यहाँ पर? औरंगापुर। वही उन्नाव में बड़ा हादसा हो गया। पुलिस की गाड़ी पर ट्रक पलटने से 4 पुलिसकर्मी उसके नीचे दब गए। हादसे में जहां 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही जान चली गई, तो वहीं एक सिपाही घायल हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। क्रेन मंगाकर ट्रक को PRV के ऊपर से हटाने की कोशिश की गई। PRV में 2 महिला आरक्षी सहित 4 लोग मौजूद बताए जा रहे थे। तो हादसा बेहद दुखद है। उन्नाव में PRV पर ट्रक पलटने से ये भीषण हादसा हो गया, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। 1 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वही बताया जा रहा है कि इसमें महिला आरक्षी भी सवार थी। आज शाम लगभग 9 बजे सफीपुर थाना अंतर्गत हमारी PRV 2029-08 एक इवेंट से वापस लौट रही थी कि रास्ते में उसका टैंकर से एक्सीडेंट हो गया और टैंकर PRV पर पलट गया, जिसमें हमारे विभाग के 3 आरक्षी की डेथ हो गई और 1 आरक्षी जो घायल है। ये बहुत ही दुखद घटना है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं, आपको बता दें कि यहां पर भीषण हादसा हो गया, देर रात यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि PRV पर ट्रक पलटने से यह भीषण हादसा हुआ, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, वहीं 1 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। क्रेन की मदद से ट्रक को PRV के ऊपर से हटाने की कोशिश की गई। PRV में 2 महिला आरक्षी सहित 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से 3 लोगों की जान चली गई है। तो हादसा बेहद दुखद बताया जा रहा है। वहीं बांदा में अनियंत्रित लोडर ने 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 1 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 1 गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। मामला शहर कोतवाली के बाबूलाल चौराहे पुलिस चौकी के पास का बताया जा रहा है। बाबूलाल चौराहे चौकी अलीगंज के पास एक पिकअप नंबर UP90T7147 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए एक ई रिक्शा में टक्कर मार दी गई, जिससे उसमें सवार राजू प्रजापति उम्र 55 वर्ष निवासी खाई पार की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी एक एक्सीडेंट का मामला आया था, क्या था पूरा मामला? एक्सीडेंटल आदमी की साय हमारे पास में एक अज्ञात व्यक्ति 45 साल का, उसको ब्रांडेड लाया गया है पुलिस द्वारा। और दूसरा केस है इसी के साथ में, एक राम किशोर है 38 साल का, सीरियस अवस्था में भर्ती कराया गया, भर्ती करके उपचार दिया जा रहा है। कुछ कहाँ के रहने वाले कुछ मालूम? ये खाई पार मामला की है। बुलंदशहर की विधानसभा 64 सिकंदराबाद में गांव की सड़कें टूटी पड़ी हैं। इतना ही नहीं, गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है। यहां विकास दूर दूर तक नजर नहीं आता, जिसको लेकर यहां लोगों में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। यहां से विमला सोलंकी विधायक है, वहीं BJP ने लक्ष्मी राज को यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो बुलंदशहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिकंदराबाद विधानसभा की, जहां पर
विकास बदहाल हालत में नजर आता है। सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ से बीजेपी के विधायक विमला सोलंकी 10 सालों से विधायिका हैं और यहाँ पर कितना विकास हुआ है ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखाई दे रहा है। वहीं इस बार विमला सोलंकी का बीजेपी ने टिकट काट दिया है और ऐसे में अगर आम जनता की हम बात करें तो आम जनता भी बेहद आक्रोशित नजर आ रही है। मेरठ के दबुदवा गांव में बीजेपी स्टार प्रचारक इंटरनेशनल रेसलर बबीता फोगाट के काफिले पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि सिवालखास विधानसभा में बबीता फोगाट जनसंपर्क करने पहुंची थी, साथ में सिवालखास से बीजेपी प्रत्याशी मनिंदर पाल की पत्नी भी मौजूद थी। बता दें कि इससे पहले भी सिवालखास विधानसभा के गांव छुर करनावल में बीजेपी प्रत्याशी का जनता विरोध कर चुकी है और एक बार फिर से ऐसी तस्वीरें सामने आई है। बबीता फोगाट यहां पर पहुंची थी, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रही थी, लेकिन उनके काफिले पर हमला बोला गया है और यहां पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं महोबा में मासूम का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मासूम 3 दिनों से लापता था। वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन कर सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। बरेली में एक महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है। 4 दिन से लगातार कड़कड़ाती ठंड में शहर की सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले अपना धर्म परिवर्तन कर अपने दूसरे धर्म के युवक से शादी कर ली थी। वहीं पति के जाने के बाद परिवार वालों ने भी महिला के लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए, जिसके बाद पीड़ित महिला इन दिनों अपने पति के दरवाजे पर रात भर बैठकर उसका इंतजार करती रहती है। पुलिस कप्तान के ऑफिस में गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई यहाँ नहीं हो रही। बरेली की तस्वीरें हैं जहां पर एक महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है और कई दिनों से वो घर के बाहर ही रहने के लिए मजबूर है। सर, मैंने अपना धर्म परिवर्तन किया है। सर, मैं मुस्लिम से हिंदू बनी। मैंने शादी की, शादी करके मैं रहती रही, साथ में ये बात यहाँ से छोड़ के भाग गया। मुझे किसके साथ रह रही थी? अपने पति के साथ रह रही थी हरदोई में। वहाँ पे रह रही थी तो वहाँ पे जो है रहते रहते ये अपने घर आता जाता रहा। इसके घर वालों ने भड़काया कि तुम इसे छोड़ के भाग जाओ। ये छोड़ के भाग गया, मोबाइल अपना बंद कर दिया इसके घर वालों ने। यहाँ पे घर पे आया, मोहल्ले वालों ने भी बताया कि हाँ घर पे आया इसका बड़ा भाई अमित, वो छोड़ के आया इसको। पता नहीं कहाँ छोड़ के आया है, ये नहीं पता सर। सर, इसकी बहन रहती है हरदोई में, वहाँ पे आना जाना था तो मेरी इसकी व्हाट्सएप पे मुलाकात हो गई। व्हाट्सएप पे बात होती रही, मोबाइल पे भी बात होती रही, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील के पंचायत शिवपुरी में चल रही चकबंदी प्रक्रिया को शून्य कराने के लिए सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने डीएम अभिषेक प्रकाश से भी शिकायत की है। डीएम के निर्देश के बाद हरकत में आए आनन फानन में ग्राम पंचायत शिवपुरी पहुंचकर चकबंदी अधिकारियों ने चकबंदी शून्य कराने की प्रतिक्रिया में मत कराए। चकबंदी प्रक्रिया को शून्य कराने के लिए एक तरफ सभी ग्रामीणों ने अपना मत दिया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी तक चकबंदी प्रक्रिया शून्य नहीं की गई है। वहीं तहसील प्रशासन के लापरवाह रवैये को लेकर लोग लगातार तहसील के चक्कर लगाने को मजबूर नजर आ रहे हैं। हमारे गांव में चकबंदी प्रक्रिया गतिमान है। कौन सी ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत है शिवपुरी, तहसील बख्शी का तालाब। यहाँ हमारे जो गांव में चकबंदी प्रक्रिया पूर्व में हुई थी, जहाँ पर चकमार्ग, अस्पताल के लिए सुरक्षित स्थान और पंचायत घर सब ऑलरेडी उपलब्ध हैं। हमें चकबंदी प्रक्रिया नहीं चाहिए और जो वहाँ पर चकबंदी प्रक्रिया चल रही है उसमें घोर धांधली की गई है। जो ऊंची, जो कीमती ज़मीन है बिल्डरों ने, उसको वहाँ से उठा करके बाढ़ क्षेत्र में यहाँ अधिकारियों की मिलीभगत से कर दिया है, जो घोर निंदनीय है।
गाजियाबाद की मुरादनगर विधानसभा के गांव बमहेटा के लोगों द्वारा चुनाव को लेकर क्या राय है, जनता किसकी सरकार बनते देखना चाहती है, इन्हीं सब मुद्दों पर लोगों से न्यूज पॉल इंडिया की टीम ने खास बातचीत की, जिसमें लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं नजर आई हैं। कोई बीजेपी की सरकार चाहता है तो किसी को बसपा की सरकार चाहिए, क्या कहना है लोगों का सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज की हमारी चुनावी यात्रा गाजियाबाद के बमहेटा गाँव में आ चुकी है। गाजियाबाद का बमहेटा गांव लगभग 27,500 वोटिंग के लिए जाना जा रहा है और इसके अलावा अगर यहां की आबादी की बात की जाए तो लगभग 40,000 की आबादी बताई जा रही है। बमहेटा गांव गाजियाबाद मुरादनगर के क्षेत्र में आता है, मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र यहां पर लगता है और मौजूदा जो विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, जिनका नाम अजीत पाल त्यागी है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार यहाँ का माहौल क्या चल रहा है। जी शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? देखिए माहौल तो ये है कि अब बढ़ोतरी की बात चल रही है। माहौल तो जीतने को तो अजीत पाल जी जीते हुए हैं, बिल्कुल ये निश्चित है, इस पब्लिक भी जानती है, योगी जी बिल्कुल जीते हुए हैं। अब तो बढ़ोतरी की बात चल रही है कि बहुमत कितने से आएगा, कितना लग रहा है इस बार? बहुमत तो पहले भी था 400 पार है, इस बार भी 300 प्लस नहीं 400 कुछ है, 3 सीटें हैं, 403 है, सारी अपनी सीटें हैं, ये एक दो इधर उधर चली गई तो चली गई नहीं। मायावती जी को भी आपको लगता है कि समर्थन इधर ही करेंगे, मायावती भी आपको लग रहा है कि बीजेपी को समर्थन करेंगे? और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, आप बताइए क्या नाम है? जितेंद्र। जितेंद्र जी क्या लग रहा है माहौल, बीजेपी क्या 400 लेकर? माहौल तो जो सीधा सपा के पक्ष में जा रहा है पूरे बमेटे से, पूरा नाम जितेंद्र यादव है, अगर कट्टर अखिलेश वादी हूँ, वोट सिर्फ सब साइकिल पे ही जाएगी ना कि फूल पे। जीवन में एक बार गलती करी ही बीजेपी को वोट देकर, लेकिन जब तक जीऊंगा बीजेपी को वोट नहीं करूंगा। बीजेपी से इतनी नफरत क्यों हो गई? नफरत यूँ है कि हर आज का युवा बिल्कुल बेरोजगार है, ये लोग कह रहे हैं, अभी इन्होंने बोला कि हर कंपनी गेट पर हेल्पर की जरूरत है। मैं लेकर चल रहा हूँ अपनी कंपनी के पास में, जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं वहाँ कम से कम ना दिन भर में 100 से 200 लड़के आते हैं, जिन्हें कहते हैं भाई यहाँ जॉब नहीं है, और जो कंपनी वाले रख भी रहे हैं उनको लड़कों को, जो 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 कंपनी वाले उन्हें रख भी रहे हैं, मात्र 5 से 6 हज़ार रुपये को उन्हें सैलरी मिल ली है। इतनी महंगाई के टाइम में जाके हर चीज़ महंगी कर दी है सरकार ने, लेकर रसोई गैस से लेकर चीनी दाल आटा, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मंदी हो। आम आदमी इनका कहना है कि महंगाई का मुद्दा जो है सबसे ज़्यादा। मैं कहना चाहूँगा जी, 1994 में इनकी तनख्वाह कितनी पूछो, 2500 रुपया, अब कितनी लेंगे आदमी, 20,000। भैया जब यू जेब भरेगी तो यू तो खाली होगी होगी, सही कह रहा हूँ गलत में भाई? आज की महंगाई की बात कर, देखिए सुनिए सवाल 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 कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सवाल ये है, अगर बिजली को देखा जाए वो महंगी है, राशन को देखा जाए वो महंगा है, तेल को देखा जाए तो 200 रुपये लीटर सरसों का तेल मिलता है और गैस सिलेंडर जो है वो 1,000 रुपये के आसपास है, तो ऐसे में जो इनका कहना है कि 6,000 रुपये तनख्वाह, 6,000 रुपये में क्या क्या लेके आएंगे, अब आप बताइए। देखो भाई साहब ये तो बहकाने वाली बात है, बिहार का पूर्वी क्षेत्र का 15% 20% आदमी यहाँ कर रहकर कमा रहा है गाजियाबाद में, तो क्या हमें रोजगार नहीं है? ये तो दिमाग खराब करने वाली बात है, यहाँ बहुत रोजगार है, यहाँ किसी काम की कमी नहीं है, सब मजे ले रहे हैं, बस मजे के आगे सब गुंडागर्दी खत्म हो गई, बीजेपी गुंडागर्दी खत्म हो गई है। देखिए इनका कहना है कि सपा सरकार में गुंडागर्दी होती थी वो अब खत्म हो गई है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे, पहले आप अगर जाते फिर आपसे बात करते। नहीं गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई है, गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई है? अभी हमारे इस टूल टैक्स पे अभी अवेशी पे हमला हुआ है, बीजेपी सरकार ही है, कोई कोर तोर सरकार है नहीं, दिन दहाड़े हमला हुआ है, कहाँ खत्म होगी? नहीं कहाँ खत्म होगी गुंडागर्दी? आप दीजिए इस तरफ। देखो क्राइम के 1 घंटे बाद योगी सरकार की कार्रवाई ऐसी है कि दोनों मुलजिमों को पकड़ लिया गया है। कानून प्रशासन जो भी काम करता है वो क्राइम के बाद ही करता है, पहले से तो किसी को पकड़ नहीं पाएगा कि कौन दिमाग में क्या प्लानिंग करे हुए बैठा है। और पहली की सरकारों में ऐसा था कि हाथ ही ना आवे आदमी मर जावे, हमारे यहाँ भी बहुत क्राइम हुआ है, जैसे कि मुजफ्फरनगर का दंगा आप लोगों को पता होगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सरकार में आकर के सुधार हुआ है, 100% के 100% नहीं कह सकते, लेकिन 5 साल में उन्होंने 50-60-70% बहुत सुधार करा है। प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए रिक्वायरमेंट कम है कि काम। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं, आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र है जी। रविंद्र जी क्या लग रहा है, सपा बसपा या भाजपा किसकी फाइट है इस बार? भैया 2007 से 2012 तक बसपा की सरकार चली है, बहुजन समाज पार्टी की, मायावती की,
सबसे अच्छी कानून व्यवस्था और सबसे अच्छा राज रिया उसका, लॉ एंड ऑर्डर सबसे सख्त, अधिकारी टाइम पर काम करते थे, टाइम पर बैठते थे, और आज क्या हो रहा, पैसा ले दे के भी काम नहीं हो रहा। और इन्होंने कहा पत्थर की मूर्ति लगवा दी है, और बहुत ज़्यादा पत्थर लगवा दिया बहन जी की सरकार में, 3000 करोड़ की सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति वहाँ लगवाई है इन्होंने गुजरात में, उसको आज तक किसी ने नहीं कहा। चलिए हाँ, इसका जवाब दीजिए। इन्होंने कहा कि पैसा ले दे के भी काम नहीं हो रहा, ये चाहते हैं कि प्रशासन को पैसों के इशारे पर नचाएं। अब जो है प्रशासन एक नंबर का काम करता है, इसलिए मूर्तियों का जवाब बताइए इनका। मूर्तियों का भैया, मूर्तियों का मतलब ये है कि बेमतलब की जगह घेर रखी है, इसमें कॉलेज बनते, स्कूल बनते, अस्पताल बनते, अब जगह हाथी सूंड से खड़े कर दिए वो हाथियों के, इन सूंड से क्या हो रहा। अच्छा ये बताइए, 3000 करोड़ की सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को लेकर ये कह रहे हैं इस पर। देखो वो गुजरात को रोजगार दिया गया, वो जगह यहाँ देखो, वे हाथी से सूंड से तो बढ़िया, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपकी एक नॉलेज कम है इसको हम कहेंगे, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो चाइना की कंपनी को दिया गया था। बात कॉन्ट्रैक्ट, अब जो पब्लिक जा रही है घूमने वहाँ, उसका पैसा तो टूरिज्म तो बढ़ा ना। क्या भारत में ऐसे इंजीनियर नहीं है कि चाइना से मंगाने पड़े? क्या सारे भगवान पहाड़ में बसे थे, वो रोजगार के लिए तो बनाए बसाए गए? नहीं, सारे भगवान पहाड़ों में नहीं, देखो अरे सुनो, देखो देखो सृष्टि रचाई है, अब सारे भगवान पहाड़ों में बसाए, वहाँ रोजगार नहीं था, बसावट कम थी, इसलिए भगवानों का रास्ता उधर दिखा दिया, तो अब पब्लिक जाती है, टूरिज्म बढ़ा, वहाँ का रोजगार बढ़ा, इस ऐसी गुजरात का हाल है। सरदार वल्लभ भाई की प्लेट लगाई, मूर्ति लगाई, अब यहाँ इनकी तरह सूंड तो न लटकाए वो, ना सपा हो रहे, अब नू देखते रहे वो हाथी पत्थर के से, उनसे क्या फायदा हो रहा है? ये सवाल तो इनका बनता है कि उनसे फायदा क्या हुआ? जेवर एयरपोर्ट मायावती की सरकार में बना, और आज तक उसका शिलान्यास ही हो रहा। सत्ता परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं है सदा बीजेपी रहेगी, नू बीजेपी बसपा दोबारा क्यों नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सदा ही रहेगी, सत्ता परिवर्तन होगा फिर कोई आएगी। आज तक शिलान्यास ही हो रहा जेवर एयरपोर्ट का, अभी तक चालू तो नहीं हुआ। ये बताइए पिछले चुनाव में 19 सीट आई थी, इस बार कितनी आई? इस बार 100 से पार जाएगी बहुजन समाज पार्टी, ये तो मीडिया ने चैनल खरीद रखे हैं समाजवादी। एक सवाल ये 100 से पार सीट जाएंगी फिर सरकार कैसे बनाएगी? हमारी बहन जी जो मीडिया को तवज्जो नहीं देती है, जो तवज्जो उनको दे रहे हैं जो पैसा में खरीद रखे हैं चैनल, वो उनको ऊपर दिखा रहे हैं। सवाल ये है, आपने कहा 100 से पार जाएंगी तो सरकार कैसे बनाएंगी? सीट कैसे बनेगी? जो मुख्यमंत्री को लिए बन अड़ के बैठ जाएंगी, जो समर्थन हमको देगा हम मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ अभी इन्होंने कहा कि न्यूज वाले खरीद रखे हैं, अजीत पाल त्यागी न्यूज वाले खरीद रखे, 10 तारीख के बाद ये ईवीएम हैंग बनाते हैं, बताएंगे कि इन्होंने मशीनरी सेट कर रखी है। ये अब नहीं है, पिछले साल की लहर है, ये किसी पर नहीं रुकेगी, ये तो हिंदू राष्ट्र घोषित होना है भाई, ये प्लानिंग हो चुकी है, इस बार निर्णय सुन लेना आप जीत के बाद। चलिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भमेटा गांव की जो राजनीति है थोड़ा दिलचस्प है, और अब ऐसे में देखना ये होगा कि जब 10 मार्च को रिजल्ट आता है तो यहां पर इस बार कौन विधायक बनता है। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।